हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर लिया है हमने ट्रायंगल्स। आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बोथ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स में मौजूद है, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। ओके, दो लाइन सेगमेंट है ए बी और सी डी जो अपने आप को बाइसेक्ट करती है पॉइंट ओ पर। अब मैं जरा गिवन बताता हूं लिखकर कि ये बाइसेक्ट ईच अदर का क्या मतलब है। तो अगर AB और CD अपने आप को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि AO बराबर BO एंड CO बराबर DO। ये बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो बराबर हिस्सों में बांटना। फिर टू प्रूफ, तो टू प्रूफ ऊपर सारा लिखा हुआ है, आप इसको बस टू प्रूफ वाले कॉलम में लिख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन देखो, फिगर में कुछ डॉटेड है तो ध्यान रखना जितना डॉटेड पार्ट होता है वो सब कंस्ट्रक्शन में आता है, क्योंकि गिवन में तो सिर्फ आपको दो लाइन बाइसेक्ट करती हुई बताई गई है। तो आप क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, जॉइन क्या एडी डीबी बीसी एंड सीए, ये जॉइन कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। ठीक है, अब जो जो चीजें मुझे प्रूफ करनी है वन बाय वन लेते हैं। एसी को बीडी के बराबर प्रूफ करना है, एसी को बीडी के बराबर प्रूफ करना है। फिर सीएबी एंगल सीएबी सीएबी ओके, इसको एंगल वन ले लेते हैं। और एबीडी एबीडी ओके, इसको एंगल टू ले लेते हैं, बराबर प्रूफ करना है। तो लिख भी देता हूं मैं कि वन बराबर टू प्रूफ है मेरे लिए। एडी पैरेलल सीबी, तो एडी पैरेलल सीबी ओके, इसको पैरेलल भी प्रूफ करना है। ओके, और एडी इज इक्वल टू सीबी, और एडी इज इक्वल टू सीबी प्रूफ करना है। चलो ठीक है, वन बाय वन स्टार्ट करके बताता हूं। अब सबसे पहले एसी और बीडी तो दो साइड है ना, अब दो साइड को बराबर करने का कोई तरीका नहीं है। चेक करो ये दोनों साइड्स एसी और बीडी कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, बस उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्वर्ट कर दो तो बात बन जाएगी। तो चलो एसी के लिए ट्राइंगल चुनते हैं एओसी। मैंने लिखा इन ट्राइंगल एओसी, और मैंने यहां नाम अगर एओसी लिया है तो इसके लिए लेना पड़ेगा मुझे बीओडी। नाम का ऑर्डर बहुत जरूरी, सही होना चाहिए, ठीक है, वरना तो मिस्टेक हो जाएगा। अब चेक करते हैं अपने पास तीन चीजें हैं कि नहीं। तो सबसे पहले क्या CO बराबर DO है, चेक करो CO बराबर DO बिल्कुल है तो सही गिवन के अंदर, और नाम का ऑर्डर CO और DO बिल्कुल सही बन रहा है। CO इज इक्वल टू DO, और रीजन क्या लिख देंगे इसके लिए गिवन। अब एक चीज देखो ध्यान से, क्या CD और BA एक प्रॉपर X बना रहे हैं, देखो इस तरह से X बना रहे हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और रीजन क्या होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैं कैसे लिखूंगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, पूरा पूरा लिखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तीसरी चीज देखो, क्या AO BO के बराबर है, हाँ तो देखो गिवन नहीं है तो AO और BO, और नाम का ऑर्डर भी चेक करो AO और BO, तो AO इज इक्वल टू BO, और रीजन फिर से क्या आ जाएगा गिवन। क्या तीन चीज मिल गई, मिल तो गई। एक ट्राइंगल में ऑर्डर भी चेक कर लो इसका, चलो ट्राइंगल बना लेते हैं। हमने क्या लिया साइड एंगल और साइड, तो देखो जरा ट्राइंगल AOC congruent to ट्राइंगल BOD, और रीजन क्या आया साइड एंगल साइड। तो अगर ट्राइंगल congruent है तो फिर AC BD बराबर भी हो जाएगा, AC is equal to BD, बिल्कुल इसी दो ट्राइंगल की साइड थी, और रीजन क्या आएगा इसके लिए पीछे CBC। ठीक है, तो यहां मेरे पास AC और BD बराबर हो गई है, मतलब अपोजिट साइड मैंने बराबर प्रूफ कर दी। अब मुझे प्रूफ करना है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, तो चिंता की बात क्या है, एंगल वन और एंगल टू इसी दो ट्राइंगल की ही तो दो एंगल है, ये चेक कर लीजिए। अभी ये दोनों ट्राइंगल ही तो मैंने कॉन्वर्ट किए हैं, तो वन और टू इसी के एंगल है, तो वन और टू बराबर हो गया, और रीजन क्या हो गया सीबीसीडी। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, एडी सीबी के पैरेलल प्रूफ करना है, एडी और सीबी को पैरेलल प्रूफ करना है। अब उसके लिए मुझे पहले इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्वर्ट करना पड़ेगा, वहां से दो एंगल बराबर प्रूफ करने पड़ेंगे, जिसको मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताऊंगा, और ऑल्टरनेट एंगल में कहां मिलते हैं पैरेलल लाइन के अंदर। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखा इन ट्राइंगल एओडी, ट्राइंगल एओडी, तो सोचो यार अगर मैं यहां एओडी लिख रहा हूं तो यहां लिखना पड़ेगा फिर मुझे बीओसी, इन ट्राइंगल बीओसी। तीन चीज ढूंढते हैं आराम से मिल जाएंगे, देखो एओ तो बीओ के बराबर है, AO BO बराबर, यहां से भी चैम चेक हो सकता है, तो AO is equal to BO, रीजन क्या लिखेंगे गिवन। क्या 5 बराबर 6 बिल्कुल, क्यों प्रॉपर x बन रहा है,
तो 5 और 6 बराबर, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और फिर तीसरा DOCO बराबर, चेक कर लो DOCO बराबर गिवन में और नाम में भी आ रहा है DO और CO, तो DO इज इक्वल टू CO। और रीजन फिर गिवन, एक ट्रायंगल में चेक करो साइड एंगल और साइड, ठीक है ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट होगा बड़े आसानी से, AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC और रीजन हो गया साइड एंगल साइड। लेकिन इसका फायदा हमें अब मिलेगा, इस एंगल 6 को इस एंगल 7 के बराबर लिख दो, क्यों CPCD, अभी जो दो ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट किए हैं उसी के तो दो एंगल है 6 और 7। लेकिन ये 6 और 7 किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं जरा ध्यान से देखना, ये आपकी लाइन रही CB और ये रही आपकी AD, इसमें देखो ये BA इस तरह से, और देखो 7 यहां बन रहा है और 6 यहां बन रहा है। अब 6 और 7 किस तरह के एंगल्स हैं, दे फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो क्या लिखेंगे बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहां बनते हैं, जब लाइंस पैरेलल होते हैं, तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे कि ये जो एडी है वो बीसी के पैरेलल हो गए, ये लीजिए बात बन गई। लास्ट पार्ट, एडी और सीबी बराबर, एडी और सीबी बराबर, देखो जरा अभी ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट किया था ना, चेक करो एडी और सीबी नहीं बन रहा बीसी नाम बन रहा, तो कैसे लिखोगे एडी इज इक्वल टू बीसी और रीजन क्या लिख दोगे सीपीसीटी, क्योंकि ये जो फोर्थ पार्ट है ये इसी ट्रायंगल की दो साइड्स हैं जो हमने अभी कॉन्ग्रुएंट की थी, तो सीपीसीटी लिख के बराबर कर दिया। ये लीजिए क्वेश्चन का पूरा हुआ कंसेप्ट, क्वेश्चन भी फिनिश हुआ, हमारा वीडियो भी फिनिश हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स के लिए सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।